हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चैनल पर बहुत सारे नए व्यूअर्स हैं, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक हम लोग विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर लगभग 65 वीडियोज़ के आसपास हम लोग बना चुके हैं। तो जो लोग नए हैं उनसे मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुराने वीडियोज़ जो हैं उनको भी ज़रूर देखें। उसमें बहुत बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस भी हैं जो आप लोगों के फोर्थकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि जितने भी वीडियोस हैं उनके पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का आप लोगों को इंटरफेस वगैरह वहाँ पर दिखाई देगा, और उस इंटरफेस के अंदर आप वहाँ पर एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन बना हुआ है। उस स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाएंगे तो विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर बना हुआ है। उस विज्ञान एक्सप्रेस के फोल्डर के अंदर आपको सारे के सारे विज्ञान एक्सप्रेस में अभी तक जितने भी वीडियोस आए हैं उनके पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करें, उससे पहले चंद पंक्तियाँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अगर मंजिल हासिल ना हो, यदि मंजिल हासिल ना हो तो रास्ते बदलो मत बनाओ। रास्ते बदलो मत बनाओ, क्या कहा मैंने? अगर मंजिल हासिल ना हो तो रास्ते बदलो मत बनाओ। रास्ते बदलो मत बनाओ, रास्ते बना लीजिए, अपनी राह खुद बना लीजिए तो मंजिल आप लोगों को हासिल हो ही जाएगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो बेस्ड है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर कि बहुत सारे बच्चों को कई सारे रिसेप्टर्स का ज्ञान ही नहीं है। दो तीन रिसेप्टर्स यदि पूछते हैं, स्मेल रिसेप्टर्स तो ज्ञान है, टेस्ट रिसेप्टर सबको ज्ञान है, लेकिन रिसेप्टर्स आज के वीडियो के अंदर ये देखना है कि कितने तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, राइट? संवेदांगों के प्रकार कितने प्रकार के हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के संवेदांग आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ही सिंगल वीडियो के अंदर मैंने जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको यहाँ पर कवर कर लिया है। तो काइंडली कंसंट्रेट हियर और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दो कॉलम्स बना दिए, एक तो विभिन्न प्रकार की जो संवेदनाएँ होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेस। आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के सेंसेस हैं, ये टच है, टेम्परेचर है, हीट है, कोल्ड है, ये अलग अलग प्रकार की संवेदनाएँ, ये अलग प्रकार के सेंसेस हैं। और इनको सेंस करने के लिए, इनको सेंस करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। समझ में आ रहा है भाई? अलग अलग प्रकार की संवेदनाओं को सेंस करने के लिए, अलग अलग प्रकार की संवेदनाओं को सेंस करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? संवेदांग होते हैं, यानी कि रिसेप्टर्स होते हैं। क्लियर? तो पहला जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला जो संवेदनाएँ यहाँ पर दे रखी है, पहली जो सेंस दे रखा है वो कौन सा? टच सेंस। तो टच सेंस के लिए जो सेंसिटिव होते हैं, है ना, तो टेंगो रिसेप्टर्स, है ना, यानी कि टेंगो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ऐसे रिसेप्टर्स हैं विच आर सेंसिटिव टू टच, है ना। ये टच के प्रति क्या होते हैं? संवेदी होते हैं। टेंगो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टच के प्रति क्या होते हैं? संवेदी होते हैं। आर यू गेटिंग नॉट? टेंगो रिसेप्टर्स टच के प्रति क्या होते हैं? संवेदी, स्पर्श के प्रति, है ना, ये स्पर्श के प्रति क्या होते हैं? संवेदी होते हैं। टेंगो रिसेप्टर्स को हम चाहें तो थिग्मो रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। टेंगो रिसेप्टर्स को हम चाहें तो थिग्मो रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। नाउ टेम्परेचर के प्रति, ताप के प्रति कौन सेंसिटिव होते हैं? तो थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, है ना, ताप संवेदी, है ना, ताप के लिए संवेदांग जो होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। थर्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर के लिए जो सेंसिटिव होते हैं वो कौन होते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। इसी प्रकार से हीट के लिए, है ना, हीट के लिए जो सेंसिटिव होते हैं वो कौन से होते हैं? कैलो रिसेप्टर्स होते हैं। भूलोगे तो नहीं, कैलो रिसेप्टर्स, ये आपने नाम शायद नहीं सुना होगा। हीट के लिए जो सेंसिटिव होते हैं वो कौन होते हैं? कैलो रिसेप्टर्स होते हैं। कैलो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव फॉर हीट। फ्रिजिडो रिसेप्टर्स, जैसे कि नेम शो कर रहा है, फ्रिजिडो,
फ्रिजिडो किसके लिए होते हैं, कोल्ड के लिए होते हैं। तो फ्रिजिडो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं एक प्रकार की संवेदना के लिए, कौन सी, ठंड वाली संवेदना के लिए, कोल्ड की संवेदना के लिए, ठीक है ना। तो फ्रिजिडो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं कोल्ड के लिए, कैलो रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं हीट के लिए, थर्मो रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए, और थिग्मो रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, टच के लिए। तो थिग्मो रिसेप्टर्स किसके लिए सेगमेंट, किसके लिए सेंसिटिव है, टच के लिए, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर्स किसके लिए सेंसिटिव है, टेम्परेचर के लिए। कैलो रिसेप्टर्स किसके लिए सेंसिटिव है, तो हीट के लिए। और फ्रिजिडो रिसेप्टर्स किसके लिए संवेदी है, तो दैट इज़ कोल्ड के लिए। बात समझ में आ रही है, तो ये आपको सबको ध्यान रखना है। अब आ जाइए, दैट इज़ नोन एज एलजेसी रिसेप्टर, एलजेसी रिसेप्टर या नॉसीसेप्टर्स, राइट। एलजेसी रिसेप्टर्स या नॉसीसेप्टर्स जो होते हैं वो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, तो पेन के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, दर्द के लिए सेंसिटिव होते हैं, राइट। एलजेसी रिसेप्टर्स, वापस से बोल रहा हूँ, एलजेसी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो पेन के लिए दर्द के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। रियो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू करंट्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, करंट्स ऑफ वाटर। रियो रिसेप्टर जो होते हैं वो संवेदी होते हैं वाटर करंट्स के लिए, ऑल राइट। गैल्वेनो रिसेप्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए सेंसिटिव होते हैं। जियो रिसेप्टर, जैसे कि नेम शो कर रहा है, ये सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, ग्रेविटी के लिए। और प्रोपियो रिसेप्टर जो होते हैं वो मसल की पोजीशन के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, एलजेसी रिसेप्टर्स पेन के लिए सेंसिटिव होते हैं, रियो रिसेप्टर जो होते हैं वो वाटर करंट्स के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। गैल्वेनो रिसेप्टर्स ग्रेविटी के प्रति सेंसिटिव होते हैं। गैल्वेनो रिसेप्टर्स इलेक्ट्रिक करंट के लिए होते हैं, जियो रिसेप्टर्स ग्रेविटी के लिए होते हैं, और प्रोपियो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मसल पोजीशन के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ऑल राइट, नाउ स्टेटो, जैसे कि नाम दर्शा रहा है, स्टेटो वर्ड जो होता है वो किसके लिए होता है, इक्विलिब्रियम के लिए होता है, बैलेंस के लिए होता है। तो स्टेटो का मतलब क्या होता है, बैलेंस। तो बॉडी के अंदर बैलेंस के लिए कौन होते हैं, दैट इज स्टेटो रिसेप्टर्स होते हैं। इंटीरो रिसेप्टर्स जो होते हैं, राइट, इंटीरो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हंगर के लिए या थ्रस्ट के लिए होते हैं। हंगर यानी कि भूख, और थ्रस्ट के लिए क्या होता है, प्यास। तो भूख और प्यास के लिए जो सेंसिटिव होते हैं वो एंटीरो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। बैरो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू ब्लड प्रेशर, बैरो रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं ब्लड प्रेशर के लिए। ऑस्मो रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि नेम शो कर रहा है, ऑस्मो रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। कीमो रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल चेंजेस के लिए। वापस से बोल रहा हूँ, स्टेटो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू इक्विलिब्रियम, एंटीरो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू हंगर एंड थ्रस्ट, भूख और प्यास के लिए सेंसिटिव होते हैं। बैरो रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं ब्लड प्रेशर के लिए। ऑस्मो रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। और कीमो रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, केमिकल चेंजेस के लिए, ठीक है। वाइब्रो रिसेप्टर जैसे कि नेम शो कर रहा है, वाइब्रो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशंस के लिए, कंपन के लिए होते हैं। फोटो रिसेप्टर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं विजन के लिए, दृष्टि के लिए। फोनो रिसेप्टर, जैसे कि नेम शो कर रहा है, दीज आर सेंसिटिव टू हियरिंग, ठीक है। ऑल्फेक्टो रिसेप्टर जो होते हैं वो स्मेल के लिए होते हैं, और गस्टेटो रिसेप्टर जो होते हैं वो टेस्ट के लिए होते हैं। तो एक बार सारे के सारे रिसेप्टर्स को जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे। वाइब्रियो रिसेप्टर्स आर फॉर वाइब्रेशंस, फोटो रिसेप्टर्स विजन के लिए सेंसिटिव होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स हियरिंग के लिए सेंसिटिव होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं या ऑल्फैक्टर रिसेप्टर जो होते हैं वो स्मेल के लिए सेंसिटिव होते हैं, गस्टेटो रिसेप्टर जो होते हैं वो टेस्ट के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। स्टेटो रिसेप्टर्स बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम के लिए सेंसिटिव होते हैं। एंटीरो रिसेप्टर जो होते हैं वो हंगर और थ्रस्ट वगैरह के लिए सेंसिटिव होते हैं। बैरो रिसेप्टर्स ब्लड प्रेशर के लिए सेंसिटिव होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रति संवेदनशील होते हैं। और कीमो रिसेप्टर संवेदनशील होते हैं केमिकल चेंजेस के प्रति। एलजेसी रिसेप्टर्स या नॉसिव रिसेप्टर्स जो होते हैं वो पेन के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। रियो रिसेप्टर्स
वाटर करंट्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, गैल्वेनो रिसेप्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए सेंसिटिव होते हैं, जियो रिसेप्टर्स ग्रेविटी के प्रति संवेदनशील होते हैं और प्रोप्रियो रिसेप्टर्स मसल पोजिशन के प्रति संवेदनशील होते हैं। टेंगो रिसेप्टर्स टच के लिए होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टेम्परेचर के लिए होते हैं, और कैलो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हीट के लिए होते हैं, और फ्रिजिडो रिसेप्टर जो है वो किसके लिए होते हैं, कोल्ड के लिए होते हैं। तो ये जितने भी जो अभी हम लोगों ने रिसेप्टर्स पढ़े, ये अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स अलग अलग प्रकार की संवेदनाओं के लिए, संवेदनाओं के ज्ञान के लिए क्या होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमेशा कई बार आपके जब आप थ्योरी पढ़ते हो बायोलॉजी के अंदर कई जगह पर, तो इस तरीके के आपको रिसेप्टर ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनका मतलब मालूम नहीं होता है तो दिक्कत आती है। तो ये जो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और एक ही वीडियो के अंदर आपके जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं उनका कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाता है। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, हम फिर कल हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में ठीक 11 बजे विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।